अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं ढाबा देसी। आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना ट्राई की हो। तो ये आज मैं कोई नूडल्स बनाने नहीं जा रहा, ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रहमान, ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप पानी का शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें मैं ये नूडल्स ये शामिल कर दूंगा। ये मैंने कनोड्स की नूडल ली हैं, अभी ये भी ट्राई करें। और इसके बाद इसमें मैं मसाला ये वाला जो सा नूडल्स में होता है ये शामिल कर दूंगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये नूडल्स बिल्कुल नहीं बनेगी, इसमें हम इस तरह की कमाल की चीज़ें ऐड करेंगे जो ख़ास तौर पर बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट ये रेसिपी होने जा रही है। और अब मैं इन नूडल्स के पकने का इंतज़ार करता हूँ। ये हमने पानी तमाम का तमाम अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलान हम, और ये नूडल्स पक चुकी हैं। अब आपने करना क्या है, ये मैंने एक अदद अंडा उबाल लिया था, इसको मैं कद्दूकस की मदद से ये इस तरह से तमाम का तमाम अंडा कद्दूकस कर लूँगा। और ये रेसिपी नहायत ही लजीज बनेगी, और ये बड़ों और छोटों के दोनों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मैंने इनका मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये आपने करना किया है, ये ब्रेड लेना है, ब्रेड की ये वाली साइड और ये वाली साइड ये ब्राउन वाले से रिमूव कर लेना है। इन दो साइड्स का ही रिमूव नहीं करना है, ये इस तरह से मैंने रख लिया। इसके बाद आपने ये इस तरह से नूडल्स उठाएँ, ये बिल्कुल ये देखें, इस तरह से आपने ये इतनी इतनी सिर्फ लगा देनी है। इस तरह से मैं बाकी से ब्रेड्स में भी लगा लूँगा। इसके बाद एक और ट्रिक इस्तेमाल होनी है। और ये मैंने इस तरह से अपने नूडल्स लगा ली। इसके बाद करना क्या है, एक अदद या 2 अदद अंडे लेंगे, इसको ये लादा बर्तन में ये तोल लेंगे बिल्कुल इस तरह से। इसको फिर अच्छी तरह से बगैर नमक मिर्च डाले फेंट लेंगे। मैंने हम और ये अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद ये मैं लादा ट्रे लूँगा, इसमें ये मैंने इस तरह से रख लिया। इसके बाद ये हम अंडे से इनको बाइंड कर लेंगे, ये देखें ये इस तरह, ये देखें ये हम इनकी साइड्स पर ये अच्छी तरह से अंडा लगा लेंगे, इस तरह से भी और इस तरह भी, ये देखें इस तरह से। मैं बाकी स्लाइस पे भी लगा लूँगा। मैंने हम और ये मैंने अंडा लगा लिया है। इसके बाद हम ब्रेड्स की बाइंडिंग करेंगे, ये देखें ये इस तरह से ब्रेड ये इस तरह हो गया। इसके बाद ये वाला ब्रेड भी ये देखें इस तरह से आपने जोड़ लेना है। इसके बाद ये इस तरह करके हम तमाम फिर तो हम ब्रेड से अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। और ये मैंने अच्छी तरह से बाइंड कर लिए थे। इसके बाद इसको मैं ये फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल लिया था, ये हम इस तरह से ये ब्रेड फ्राई कर लेंगे। इनको आधा मिनट भी नहीं लगना, जैसे ये हल्के से ब्राउन हो नज़र आए आपने इनको चूल्हे से उतार लेना है। इसके दोनों साइड्स को हम आधे मिनट बाद तब्दील माना है। माशाल्लाह, ये देखे कितने लजीज और जायकेदार हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप हमारी रेसिपी को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।